नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पंखे के रेगुलेटर के बारे में। जो पंखे का रेगुलेटर होता है तो वो किस तरीके से कार्य करता है, जिससे उसकी स्पीड को कम करते हैं और ज़्यादा करते हैं तो वो स्पीड कैसे कम और ज़्यादा होती है, वही सारी चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे और रेगुलेटर पंखे का खोल के दिखाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको दिखाते हैं पंखे का रेगुलेटर कैसे कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, ये पंखे का रेगुलेटर है, पुराना वाला रेगुलेटर है जो पहले चलता था। अब तो ये रेगुलेटर बहुत कम चलते हैं क्योंकि ये काफ़ी जगह लेता है बोर्ड में, पूरे बोर्ड में लगता है बीच में। तो इसमें देखिए आप, ये साइड से मतलब प्लास्टिक जल गई है क्योंकि हीट होता है तो उसी वजह से जल गया है, तो मैंने हटा दिया, दूसरा लगाया। तो ये इसकी नॉब है, इसी से मतलब पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा किया जाता है। देखिए मैंने जीरो पे कर दिया है यहाँ पे, अब जीरो का मतलब पंखा बंद हो जाएगा, जीरो पे कर देंगे और एक नंबर पे लाएंगे। अभी देखिए हम आपको बता रहे हैं, एक नंबर पे लाया तो पंखा सबसे स्लो चलेगा और उसके बाद जो है दो नंबर पे लाएंगे तो पंखे की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद तीन नंबर पे बढ़ जाएगी, उसके बाद चार नंबर पे बढ़ जाएगी और पाँच नंबर पे पंखा एकदम से फुल चलेगा, मतलब जो रेगुलेटर ना लगाएं जिसे चलता है पूरी स्पीड में चलेगा। तो इस तरीके से रेगुलेटर कार्य करता है। अब बात आती है कि इसके अंदर होता क्या है, ये कैसे कार्य करता है, क्यों काफ़ी बड़ा है देखने में भी। अब जो आ रहे हैं छोटे छोटे रेगुलेटर आ रहे हैं, जो स्विच के हिसाब से जैसा स्विच होता है वैसे स्विच के तरह मतलब देखने में लगते हैं, गोल एक केवल नॉब होती है, उसी से स्पीड को कम ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए इसे हम खोलते हैं। इसकी नॉब में एक स्क्रू लगा हुआ है तो वो स्क्रू खोलेंगे। तो स्क्रू खोलने के बाद जो इसे नॉब को खींच लेंगे तो ये नॉब बाहर निकल आएगी इस तरीके से। देखिए मैंने स्क्रू को खोल दिया है और इस तरीके से मैंने इसे अलग कर दिया है, तो ये नॉब इसकी अलग से निकल के बाहर आ गई है। अब बीच में आप देखिए यहाँ पर दो स्क्रू लगे हुए हैं, थोड़ा सा पास से दिखा रहा, इधर देखिए इस साइड में आप देखें। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, ये चार होल आपको दिख रहे हैं, कोने पे चार होल हैं, इन्हीं चार होलों में एक पेंच से बोर्ड में टाइट कर दिया जाता है पीछे वाला हिस्सा और उसके बाद यहाँ से दो पेंच लगा के इसे बंद कर दिया जाता है। तो चलिए हम इन दोनों पेंचों को खोल लेते हैं। तो एक इस साइड में लगा हुआ है, एक इस साइड में लगा हुआ है, तो दोनों पेंचों को खोलेंगे तो ऊपर वाला जो कवर है, ये कवर जो है बिल्कुल इससे अलग हो जाएगा, इसी मतलब इन्हीं दोनों पेंचों से ये कवर रुका हुआ है। तो देखिए मैंने खोल दिए दोनों पेंच, थोड़ा ये देखिए मैंने अलग कर दिया है और इसमें दो पेंच लगे हुए हैं, ज़्यादा मतलब बड़े पेंच नहीं, मीडियम है, तो इन दोनों को मैंने खोल दिया और अलग कर दिया। तो अब देखिए आप इसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए एक पत्ती लगा दी गई है, कवर कर दिया गया है। अब ये देखिए एक रेजिस्टेंस है, ये हरी हरी सी आपको दिख रही है हरे कलर की, ये मोटी मोटी गोल गोल सी, ये एक रेजिस्टेंस है, ये वायर वाउंड रेजिस्टेंस होती है। तो इसमें आप देखिए पांच वायर लगे हुए हैं, ये जो ये रेगुलेटर की मतलब जो नॉब है, ये देखिए मैंने इसमें ऊपर वाली नॉब लगाई इस तरीके से कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये इसकी रोटरी बोलते हैं, ये रोटरी मीन्स होता है इसमें पांच कनेक्शन दिए गए हैं जिस पे हम जोड़ेंगे उसी से पंखा चलेगा। तो देखिए एक नंबर पे वायर लगा हुआ है और उसके बाद दो नंबर से लगा हुआ है इस तरीके से, उसके बाद तीन नंबर से लगा हुआ है, चार पाँच, इस तरीके से पाँचों वायर लगे हुए हैं। तो एक नंबर पर रेजिस्टेंस सबसे हाई रहता है जिससे पंखा काफ़ी स्लो चलता है, दो नंबर पर रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है फिर थोड़े पंखे की स्पीड बढ़ जाती है, फिर तीन नंबर पर थोड़ी रेजिस्टेंस और कम हो जाती है फिर पंखे की स्पीड बढ़ जाती है, इस तरीके से चार नंबर पाँच नंबर तक, चार पाँच नंबर तो फ्री हो जाता है, जीरो हो जाता है मतलब पंखा डायरेक्ट हो जाता है, और चार नंबर तक रेजिस्टेंस कम होती रहती है, पाँच नंबर पर जो है पंखा बिल्कुल डायरेक्ट चलने लगता है जैसे हमारा बिना रेगुलेटर का पंखा चलता है। तो ये रेजिस्टेंस और ये रोटरी इन दो का कमाल है, इन्हीं से पंखे को मतलब जो है कंट्रोल किया जाता है, पंखे की स्पीड को जो कंट्रोल किया जाता है। और ये रोटरी जो है जैसे नॉब से घुमाते हैं और इसकी बात जब ये मतलब इसमें रेजिस्टेंस जैसे तीन चार पे चलाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस हीट भी होती है, तो उसी हीटिंग वजह से कवर के पिघल गया है ऊपर से और साइड से भी जैसे पिघल गया, फिर उसके बाद वो टूट गया और पिघल गया है। अब बात ये आती है, अगर पंखा फुल नंबर पे पाँच नंबर पर चलाएंगे तो ये हमारी रेजिस्टेंस गर्म नहीं होगी क्योंकि पंखा पाँच नंबर पर क्या होता है डायरेक्ट हो जाता है और चार नंबर तक हमारा रेगुलेटर से कनेक्ट रहता है, तो उस हिसाब से पंखा हमारा कार्य करता है। रेजिस्टेंस की जैसे बढ़ती जाती है वैसे पंखा धीरे होता चला जाता है और रेजिस्टेंस जैसे घटती जाती है वैसे पंखे की स्पीड बढ़ती जाती है। तो ये रेजिस्टेंस के ही ऊपर होता है, रेजिस्टेंस जैसी पंखे की कम होगी वैसे पंखे की स्पीड बढ़ जाए। तो दोस्तों मैंने आपको ये पंखे का रेगुलेटर खोल के दिखा दिया, ये जो ओल्ड वाला रेगुलेटर है इससे मतलब किस तरीके से कार्य करता है और इसके अंदर क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई और बताई भी। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।